इस वीडियो में मैं आप लोगों को 36 साइज 36 साइज SB 2 बटन सिंगल ब्रेस्ट 2 बटन कोट कटिंग करना बता रहा हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इरफान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IRF स्टूडियो। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? जेंट्स कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए IRF स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नीचे से बॉटम में मार्जिंग के लिए 3 इंच 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, मार्जिंग 2 इंच का रहेगा बट मार्क हम 3 इंच पे लगाएंगे। लेंथ लंबाई है 30 इंच तो इस मार्क में 30 इंच पे इस तरह से रखकर मार्क लगाएंगे। चेस्ट है 36, सीना 36 है, 36 में आर्मोल डाउन करेंगे 9.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे बैक कटिंग करने के लिए। लंबाई 30 है, 30 का हाफ करेंगे 15 और 2 इंच ऐड करके 17 इंच पे स्टमक पेट का मार्क लगाएंगे। ये सेम मार्क एक और लगाकर मार्क स्ट्रेट करेंगे। एक इंच 1 इंच मार्क लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। यहां 1/2 इंच आधा इंच पे मार्क लगाएंगे, यहां 1 इंच और यहां भी 1 इंच। नेक कॉलर है 15 इंच, 15 इंच में गले का चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। यहाँ से 1 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1/4 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। शोल्डर का हाफ करेंगे 8.5 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 9 इंच। शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच 1.5 इंच। इसको मेजरमेंट करेंगे स्ट्रेट मार्क में इस तरह से रखकर और क्रॉस बैग 1 इंच 1 इंच कम कर देंगे। हाफ इंच आधा इंच मार्जिन रखेंगे, स्टमक को 6 से डिवाइड करेंगे और 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे। सीना का 6/6 5.5 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 6 इंच। ये टोटल 6 इंच है, इसमें 1/4 इंच 3/4 ऐड करके नीचे मार्क लगाएंगे 7.5 इंच। चाक ओपन के लिए मार्क लगाएंगे 7 इंच पे 7 इंच, 1 इंच मार्जिन, मार्जिन देंगे 1/2 इंच।
दामन में मार्जिन रखेंगे 2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच आधा इंच पे मार्क लगाएंगे और इस मार्क को स्ट्रेट मार्क से मेजरमेंट करके स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सुहाना स्टूडियो। सुहाना स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को ऑल टाइप लेडीज़ ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग करना बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद सुहाना स्टूडियो यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ चेस्ट का 1/4 हिस्सा 9 इंच, यहाँ भी 9 इंच और यहाँ भी 9 इंच। फ्लाप के लिए मार्क लगाएंगे 2.25 इंच, चेस्ट 36 है तो 2.25 इंच का फ्लाप रहेगा। इस मार्क को 1/2 कर लेंगे, बीच से आधा आधा कर लेंगे इस तरह से। 1/4 इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे।
यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1.5 इंच, हाफ इंच ऊपर आधा इंच पे एक मार्क लगाएंगे, और यहाँ से 36 चेस्ट में 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, 3 इंच। लेपल का चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। यहां से पिक के लिए मार्क लगाएंगे 1.25 इंच। शोल्डर डाउन करिए मार्क लगाएंगे 1.25 इंच, 1 इंच 3/4। यहाँ इस मार्क में ऐसे रखेंगे और 1/4 दो सूत लेस कर देंगे, दो सूत कम कर देंगे। लूजिंग का मार्क लगाएंगे मीडियम फिटिंग के लिए 4.25 से 4 इंच पे मार्क लगाना है, हमने लगाया है 4.25 इंच। लूज फिटिंग के लिए 4.25 से 4.5 इंच मार्क लगाना है, और स्लिम फिट टाइट फिटिंग के लिए 3.5 इंच मार्क लगाना है। मीडियम फिटिंग के लिए हमने 4.25 इंच पे मार्क लगाया है। यहाँ इसको मेजरमेंट करेंगे, ये जितना है उतना ही यहाँ इस तरह से पकड़ के इस मार्क में ऐसे रख देंगे, और हिप का हाफ मार्क लगाएंगे। हिप है 37 37 इंच, 37 का हाफ करेंगे 18.5 इंच, 18.5। हिप का हाफ 18.5 इंच। इस मार्क को स्ट्रेट वाले मार्क से मेजरमेंट करेंगे, और ये जितना है सेम टू सेम यहाँ मार्क लगाएंगे, और सेम टू सेम यहाँ ऊपर भी मार्क लगाएंगे। हिप है 37 37 इंच, और स्टमक पेट है 33 इंच, 4 इंच, 4 इंच का गैप है, तो इस 4 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे, इसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 1 इंच आएगा, तो 1 इंच यहाँ मार्क लगा देंगे। हिप और पेट में जितने इंच का गैप होगा उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, चौथा हिस्सा करके मार्क लगा लेना है। यहाँ पे 4.5 इंच का मार्क लगाएंगे, 4.5 इंच। ये मेजरमेंट करेंगे, ये जितना है उतना इस तरह से पकड़ लेना है, और यहाँ इस मार्क में ऐसे रखकर चेस्ट का हाफ 18 इंच, सीना का आधा 18 इंच, इस तरह से 18 इंच पे मार्क लगा लेना है। ये जो दोनों मार्क का गैप है इसको मेजरमेंट करेंगे, 1 इंच है 1 इंच, तो ये 1 इंच यहाँ मार्क लगा लेंगे, ये जो 1 इंच का गैप है वो यहाँ मार्क लगा लेना है। ये जितना हमने पेट डॉट लगाया है उतना ही यहाँ मार्क लगाकर इस तरह से शेप कर देंगे। मार्जिन रखेंगे बॉटम में 2 इंच, 2 इंच। यहाँ 2.25 इंच पे मार्क लगाएंगे,
और शेप स्केल से इस तरह से मार्क लगाएंगे, यहाँ राउंड कर देंगे, बॉटम राउंड रहेगा। बैक को इस मार्क में इस तरह से रखकर यहाँ ओपन का मार्क लगा लेना है। यहाँ से कम 2.5 इंच और यहाँ 2 इंच। यहाँ से थोड़ा सा अंदर लेते हुए और ऐसे यहाँ मिला देंगे। लेंथ मेजरमेंट करके दिखाता हूँ, आधा इंच हाफ इंच सिलाई में जाएगा। लेंथ लंबाई 30 इंच, तो ये 30 इंच रेडी आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका स्लीव बाजू कटिंग करना बताऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।